फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एलसीडी टेस्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एलसीडी टेस्टर मोबाइल फोन में यूज होने वाले एलसीडी को चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप फोन रिपेयर करते हैं, ठीक है, कोई स्मार्टफोन आया आपके पास रिपेयर होने के लिए, उसमें डिस्प्ले का फॉल्ट है, मतलब डिस्प्ले पे बैकलाइट तो जल रहा है लेकिन बाकी कोई डाटा नहीं आ रहा है, कुछ ग्राफिक्स नहीं बन रहे हैं, तो हम लोग बराबर कंफ्यूज रहते हैं कि डिस्प्ले खराब है या पीसीबी का फॉल्ट है। तो वैसे में क्या करना होता है कि कोई दूसरा फ्रेश डिस्प्ले लेना पड़ता है हम लोगों को, या कोई दूसरा पीसीबी का यूज करते हैं हम लोग ये दोनों को फाइंड करने के लिए। तो इस मशीन की सहायता से हम लोग आसानी से ये पता कर सकते हैं कि ये डिस्प्ले खराब है या पीसीबी का फॉल्ट है। बहुत आसान है चेक करना, इसमें कुछ प्रोसेस है वो मैं आगे बताता हूँ आपको। तो इस मशीन के सहायता से हम लोग जो स्मार्टफोन है उसके डिस्प्ले को आसानी से चेक कर सकते हैं। पहले इस मशीन के बारे में जानते हैं। इस मशीन का नाम एलसीडी टेस्टर है, जो मोबाइल फोन के स्क्रीन, स्मार्टफोन के स्क्रीन को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। अगर आप इस मशीन को परचेज करेंगे तो क्या क्या मिलेंगे आपको, ये मशीन और इस तरह के बहुत सारे जिप केबल मिलेंगे आपको, ठीक है, ये जिप केबल का ये पूरा सेट मिलेगा आपको। इसके साथ एक एडाप्टर आता है, क्योंकि मशीन के अंदर खुद इनबिल्ट बैटरी है लेकिन ये ज़्यादा देर तक बैकअप नहीं देती है, तो बेहतर ये होगा कि आप एडाप्टर के साथ इसका यूज करें तो बीच में कहीं लाइट जाने का समस्या नहीं रहेगा। एडाप्टर की अगर बात करें तो ये आपका आउटपुट 7.5 वोल्ट 2.0 एम्पियर का ये एडाप्टर है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये मशीन किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया है कि इस एडाप्टर को पावर से जोड़ देते हैं, ठीक है, पावर से जोड़ दिए, इसे कनेक्ट करेंगे, इस तरह से ये कनेक्ट हो गई। अब मान लेते हैं कि हमें ये नोट 4 ली टीवी का डिस्प्ले, तो ये ली टीवी का डिस्प्ले है, ली टीवी स्मार्टफोन का, ली टीवी कंपनी के। तो इसे टेस्ट करना है कि ये अच्छा है कि खराब है। तो बहुत इजी है, आप क्या करें, तो क्या करेंगे, ये इस डिस्प्ले के लिए जो जिग केबल यूज होगा, ये इस तरह के जिग केबल इसमें लगाने पड़ते हैं, उसके बाद फिर इसी केबल से डिस्प्ले कनेक्ट होंगे इस एडाप्टर से। तो हम लोग क्या किए कि ये ली टीवी का ये जिग केबल ले लेते हैं, इसे सीधा लगाना है इस तरह से, तो इस तरह से जिग केबल को हमने मशीन में लगा दिया है, ठीक है। मशीन को ऑन करेंगे, यहाँ से एक पावर स्विच होता है, पावर स्विच के द्वारा इसे ऑन कर लेंगे। देखते हैं हम लोग किस तरह से चेक कर पाते हैं इसको। इसमें क्या करना होता है, ये जो एलसीडी इन्फो है ये हमें इस पे लिखे हुए नंबर के अनुसार चेंज करना होता है, ठीक है। तो जैसे इस जिग केबल पे आप लोग देख रहे हैं 10012 है, तो हमें भी उसी तरह का ये सेटिंग चेंज करना होगा। 1 सही है, 0 भी सही है, ये 0 भी सही है, अब ये यहाँ पे 2 के जगह 1 कर देंगे इस तरह से। ये स्क्रॉल बटन से आगे पीछे कर सकते हैं हम लोग, बहुत इजी है ये। चलिए ठीक है, ये 2 सही है। ये करने के बाद इसे अब ये ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करेंगे, ठीक है। ये ली टीवी का ही डिस्प्ले था, इसे लगा दे।
ये स्क्रॉलर बटन जो होता है अप डाउन का, इसे आप अगर स्क्रॉल करेंगे अप या डाउन करेंगे तो ये पैटर्न चेंज होगा, अलग अलग तरह का इसमें रंग बनेगा, रंग दिखाएगा, एक वॉलपेपर भी अपीयर होगा, ये देख के आपको समझ में आ जाएगा कि डिस्प्ले सही है या खराब। तो इसमें देख रहे हैं तो इस तरह के जो है ये रास्टर बने हुए हैं और मूव कर रहे हैं, तो कुल मिला के ये डिस्प्ले सही है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं फॉल्ट, ये जो रास्टर बन रहे हैं और इधर उधर हो रहे हैं, तो ये फॉल्ट रहेगा डिस्प्ले में। तो क्या हुआ, अभी ये डिस्प्ले चेक करने के लिए हमें किसी मोबाइल में लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ा, ये इस एलसीडी टेस्टर मशीन के सहायता से ही हम लोग चेक कर लिए। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग करते हैं, स्मार्टफोन रिपेयर करते हैं, तो आपके लिए ये डिवाइस काफ़ी उपयोगी है। और हम लोग इसी तरह के बहुत सारे टेक्निकल्स रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसे सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन होती है उसे ज़रूर क्लिक करें। अगर आप मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन या बाकी अन्य बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं इसका कंप्लीट ट्रेनिंग चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर फ़ोन करें। थैंक यू।